सो गाइज वेलकम बैक टू टॉमिक ट्रेडर वंस अगेन। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्विटर्स। तो मार्केट में किस टाइप के ट्विटर्स अवेलेबल हैं और कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा ट्विटर बेस्ट रहता है, कहाँ से मंगा सकते हो एंड ऑल। सो गाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, बट द रियल डिफरेंस इसी चैनल पे आपको जो है रियल फैक्ट की बातें पता चलेंगी कि कौन सा ट्विटर आपको परचेज करना चाहिए, विच वन इज़ गुड एंड विच वन इज़ बेस्ट, क्या होता ट्विटर के अंदर क्या नहीं होता, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है ना ऑल। सो वीडियो शुरू करने से पहले दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग में हैं, जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं, जो आप लोगों को चाहिए। तो किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में, जो चीज़ आप जानना चाहते हो, जो आपकी इंक्वायरी है। सो अभी मेरे पास ट्विटर्स हैं, ट्विटर्स के ऊपर हम इंक्वायरी करने वाले हैं, हम लोगों को बताने वाले भैया कौन सा ट्विटर लो कौन सा ना लो। सो हम एक एक करके सारे ट्विटर्स के बारे में बताएंगे। सो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अब मैं बताने वाला हूँ हमारे पास कौन कौन से ट्विटर्स हैं। ये बेसिकली हमारे जो रियल ट्विटर्स हैं, हम जिसको ट्विटर कहते हैं बेसिकली, ये वो चीज़ हैं और ये हमारे जो है मार्केट में बेचने के लिए ज़्यादातर बनाए हुए हैं, जिसमें से ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाते हैं। सो ये कुछ इनके बॉक्स पैकिंग हैं बेसिकली। ये एम ए के ट्विटर्स आते हैं, 1 इंच का इनका साइज़ बताया गया है, कोडेड किया गया, हालांकि ये 1.5 इंच से ऊपर हैं, और लिखा जाता है डोम ट्विटर्स वाट्स, यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, 120 वाट्स मैक्स पावर नहीं होती है इनकी। और यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास ट्विटर है वो है ये, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है मतलब फेक चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है प्योर टाइटेनियम डोम ट्विटर्स, टोटली फेक, 150 वाट आर जो इसकी जो हाई परफॉर्मेंस हाई आउटपुट करंट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अब आगे लिखा उन्होंने लिखा है टैगलाइन में डू नॉट बाय द प्रोडक्ट विदाउट सिक्योरिटी होलोग्राम स्टिकर्स, आप उसके बिना भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो प्योर इनका डैपिक का इन्होंने लोगो लगा दिया, प्योर टाइटेनियम ट्विटर लगा दिया। अब यहाँ पर इनकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉस्ट कितने की करते हैं ट्विटर्स। सो गाइस ये ट्विटर्स जो हैं मार्केट में आपको 150, 200, 300 रुपये के अंदर अंदर मिलने वाले हैं, अगर आप ये ट्विटर्स मार्केट से ख़रीदते हो तो 150, 200 रुपये के अंदर मिलने वाले हैं। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको स्क्रू के साथ टाइट अप कर सकते हो, यहाँ पर होल्स भी अगर जो है आप देखोगे तो नहीं दिए हुए, ये जो है सिर्फ आगे से बंद किए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ डोर सिर्फ डबल टेप आपकी लगेगी, हाँ इसके अंदर थोड़ा सा एक फेस व्यू बनाने के लिए ज़रूर एक इन्होंने ऑल्टरेशन दी हुई है कि आपको फेस व्यू बन जाए, बट रियलिटी में क्या ये ट्विटर्स हैं, नहीं गाइज ये ट्विटर्स नहीं है, और साथ में इनकी वायरिंग बहुत प्योर क्वालिटी की है। अब दूसरी साइड पे मैं इसको बताता हूँ इसके अंदर क्या लगा हुआ है क्या नहीं। अब बात करते हैं रियल ट्विटर्स की, तो गाइज ये है हमारे रियल ट्विटर्स, ये पीछे इनके जो है एक्स्ट्रा ब्लॉक भी दिया हुआ है जहाँ पर आप पेज जो है कस सकते हो, अगर आपको कहीं पे यू नो पीछे ट्रे में अगर फिक्स करने हैं कहीं पे भी, यहाँ आप पूरा पिलर डिज़ाइन कर रहे हो, पिलर के अंदर भी अगर आप होल करके लगाना चाहते हो वैसे भी लगा सकते हो। तो दिस इज़ द बेसिकली रियल ट्विटर्स, वायर क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉपर की वायर है, और साथ में गाइज फ़र्क देखो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं क्रॉस ओवर बेसिकली नहीं दिया हुआ, बट इन रियल ट्विटर्स के अंदर आपको जो है क्रॉस ओवर भी दिया जाता है। एंड जो यहाँ पर टेप देख रहे हो इस टेप के अंदर जो है कैपेसिटर क्रॉस ओवर लगा हुआ है। सो इसके थ्रू होता क्या है कि जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज़ हैं मोर देन 600 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो ये ट्विटर्स हैंडल करता है, एंड अबव 2000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी बहुत क्लियरली निकालता है। एंड अब बात करी जाए ये पीजो ट्विटर्स जो लोकल मार्केट में आते हैं, सस्ते ट्विटर्स हैं बेसिकली, ये ट्विटर्स गाइज जो हैं रियलिटी में हैं पीजो बेसिकली। जैसे हमारा डोर बेल्स वगैरह के अंदर पीजो लगते थे, अगर आपको याद होगा छोटे होते हमने डोर बेल्स वगैरह बनाई हैं जो यू नो पुश बटन्स वाली होती हैं, साइकिल्स पे लगते थे बेल्स वगैरह, तो वहाँ पर जो पीजो लगते थे बिल्कुल एक पतली सी चिप लगती थी, वो ये चिप है जनरली जो ट्विटर्स की जगह हम इसको जो है एज अ पीजो कहें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए बने होते हैं, मोर देन यू नो 2000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर ये काम करते हैं, तो इनमें से क्लैरिटी नहीं आती है, बहुत पीक की साउंड आएगी और ये सिर्फ छन 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 करेगा, आपको क्लैरिटी नहीं देगा, और अगर आप इसके अंदर से थोड़ा सा हैवी वोकल अगर आपने इसमें दे दिया तो ये डिस्टॉर्ट भी करेगा, एंड मे बी आपको बहुत जल्दी यू नो जल के भी हाथ में आ जाए, अगर आप इसने आपने इसको डायरेक्ट अपने सोनी या पाइनियर के स्टीरियो के साथ भी कनेक्ट कर दिया तो भी ये जल के आपके हाथ में आ जाएगा, नहीं चलेगा, इट्स नॉट वर्थ टू बाय एंड और स्पेंड मनी ऑन दिस बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग।
अब बात करें इनकी, तो ये रियल मैग्नेट बेस्ड ट्विटर्स हैं। यहाँ पर आपके पीछे जो है पूरा मैग्नेट लगा होता है, इसके अंदर ये मैग्नेट है, अगर आप ध्यान से अगर इसको देख सको तो। मैं इसको खोल करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या लगा हुआ है क्या नहीं। सो गाइस, अब मैंने जो है इसको खोल दिया है बेसिकली। आप इसका मोल्ड जो है चेंज कर सकते हो, अगर फ्रंट का मोल्ड जो है आपने इस टाइप का लगाना है तो इस टाइप का भी लगा सकते हो ट्विटर के अंदर। ये इस ट्विटर के अंदर फैसिलिटी दी होती है। ये बेसिकली इसका कटआउट है, जहाँ पर आप जो है अगर पिलर में कर रहे हो तो इसका जो आउटर रिंग है, इनर रिंग है, इस साइज़ का आप कट करोगे और आउटर रिंग कुछ इस टाइप से इसकी लुक आ जाएगी। सपोज करो अगर आपने इस टाइप का कटआउट कर लिया अपने पिलर के अंदर, तो ये लगाने के बाद ये इस टाइप का लुक आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमने कट किया हुआ है, तो इस टाइप का आपका जो है फाइनल लुक आ जाता है पिलर में लगने के बाद। चाहे आप इसका कोई DIY प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो फाइनल लुक जो है आपकी इस टाइप की आती है जब आप इस टाइप का कटआउट ले लेते हो। तो ये ट्विटर्स की इसकी मेन स्पेशलिटी है। एंड सेकेंडली, मैंने इसको खोल लिया है और हम अपना प्रिंट जो है क्लियर करते हैं। इसके अंदर पीजो लगा हुआ है और इसके अंदर क्या लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। जैसे आप कोई भी सबवूफर या स्पीकर देखते हो तो उसके पीछे मैग्नेट लगा होता है, ये ओरिजिनल मैग्नेट लगा हुआ है। सो ये इसके अंदर वॉइस कॉइल वर्किंग है बेसिकली। तो ये खाली पीजो नहीं है, ये ट्विटर है रियलिटी में, ठीक है। अगर आप इसके साथ कुछ भी चिपकाओगे तो ये उसके साथ चिपक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कुछ एसेसरीज़ की बात करूँ, एसेसरीज़ के अंदर में कुछ पेच वगैरह मिलते हैं, साथ में हमारा डबल टिप भी है। अगर आप वो डायरेक्ट इसको डैशबोर्ड पे चिपकाना है तो वो भी ये चिपक जाएगा। ये गाइस देखो, ये चिपक रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है मैग्नेट इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। सो ये मैग्नेटाइज्ड है। अगर हम यही अगर इसके साथ चिपकाना चाहें लोकल ट्विटर के साथ, तो ये आप इजीली आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हो कि आप इसको लोकल ट्विटर के साथ चिपकाना चाहो तो नहीं चिपकेंगे, बिकॉज इनके अंदर मैग्नेट नहीं होता। बहुत एक लाइट मोड में मैग्नेट की एक छोटी सी बस एक वो होती है, पर्ची होती है जो जिसके थ्रू ये चिपकता है, पत्ती होती है एक तरीके से चार्ज्ड। सो मतलब ट्विटर्स के अंदर ये बेसिक फ़र्क है। जहाँ पर अगर आप अच्छी क्वालिटी का ट्विटर लेते हो उसके अंदर आपको जो है मैग्नेटाइज्ड ट्विटर मिलते हैं जिनकी क्लैरिटी अच्छी होती है। और इसके ऊपर फिर हमारे ट्विटर्स आते हैं TS20s वगैरह और उनकी कॉपी जो पाएंगे वगैरह के ट्विटर्स आते हैं, फिर उनके मार्केट में कॉपीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ने उनकी कॉपी की हुई है। उसके बाद ट्विटर्स जो आते हैं फिर वो हाई एंड के ट्विटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बुलेट ट्विटर्स की जो रेंज आती है वो वाले ट्विटर्स आते हैं। तो सबसे बेस्ट है, आपके बजट के अंदर भी रहेगा, 1200-1200 के करीब आपका ये वाला ट्विटर का एक सेट पड़ता है। ये वाला ट्विटर का आप सेट अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो 1200-1200 के करीब ये आपको ट्विटर का सेट पड़ता है, बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ चलता है। बट मेक इट श्योर आप ये हार्डली कितने वाट्स के होंगे, कोई भी अगर आप ट्विटर लेते हो तो हार्डली इनकी मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, बहुत कम छोटी सी कॉइल होती है। तो आप इनको जितना कम वाट्स दोगे उतना क्लैरिटी के साथ बजेंगे। एंड फोरम्स के ऊपर ऑपरेटेड होते हैं बेसिकली। अगर आप इसको चलाओगे, रिकमेंडेशन ये रहेगी कि हमेशा इसको स्टीरियोज़ के साथ चलाओ, कभी भी आप इसको एम्पलीफायर के ऊपर एम्पलीफायर ट्यूनिंग मत करो। इन केस अगर आप बहुत हाई एंड सॉल्यूशन के ऊपर बना रहे हो, बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें दे रहे हो, यू नो 4 चैनल एम्पलीफायर्स लगा रहे हो अलग अलग ट्विटर्स के लिए, अलग अलग साउंड के लिए आप चैनल्स प्रोवाइड कर सकते हो, उस केस के अंदर अगर आप इसके अंदर ट्विटर लगाते हो, हैवी ट्विटर्स लगाते हो, इससे भी हैवी ट्विटर्स लगाते हो, तब आप एम्पलीफायर पे दो बार गेन उसका इतना रखो कि ये फुल वॉल्यूम करने पे भी डिस्ट्रॉट ना करे। खाली ट्विटर्स भी आप चला करके फुल वॉल्यूम पे करो तो डिस्ट्रॉट ना करे, उस लेवल तक की इसकी ट्यूनिंग रखना एम्पलीफायर के थ्रू भी। मैक्सिमली 15-20 वॉट तक इसके अंदर इनपुट जाए, इतना ही गेन खोलना, इससे ज़्यादा मत खोलना। सो गाइस ये है। और इसके अंदर जैसे हमारे पास ये भी ब्रांड है सनसाउंड करके, तो ये सस्ते ट्विटर्स हैं यार इनके। अच्छा, इसके अंदर क्या है, मैंने एक दिन इसको खोल के देखा था, इस ट्विटर को कुछ इसी टाइप का ट्विटर लगता है ये, ठीक है, नीचे से चिपक जाता है। हमने बहुत सारे बेचे भी हैं, तो जिनको जिनको बेचे हैं आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हमने बाद में इसको खोल के देखा इसके अंदर क्या होता है। छोटा सा एक मेटल का टुकड़ा होता है इस ट्विटर के अंदर, और ताकि सिर्फ वेट बन सके, और उसके अंदर कुछ यू नो डाल देते हैं, लाइक सीमेंट भर देते हैं या समथिंग, ताकि वेट बन जाए। और रियलिटी में उसके ऊपर लगाया होता है पीजो, और वेट देख करके बंदा कहता है हाँ यार ये बहुत भारी ट्विटर है तो ये अच्छा ट्विटर होगा। तो ये इनका मार्केटिंग स्टंट है जिसकी वजह से माल बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। तो रियल हम खोल करके देखते हैं, आवाज़ की क्लैरिटी देखते हैं, और काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं। इस टाइप के ट्विटर्स आप परचेज़ करो जब भी आप परचेज़ करो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने पीजो लगाना है पीजो भी लगा सकते हो, अगर आपका सेटअप हल्का है तो आप पीजो भी लगा सकते हो, आपका सेटअप ठीक ठाक है, नॉर्मल बेस आपको चाहिए तो वो, अगर आपके स्टॉक स्टूडियोज में से भी अगर ट्वीटिंग की साउंड कम है, गो फॉर दीज ट्विटर्स, बिकॉज ये आपके कान को चुभेंगे नहीं, क्लैरिटी के साथ आउटपुट देंगे, कान को चुभेंगे नहीं। ये कान को चुभेंगे अगर इसमें ज़रा सी हाई फ्रिक्वेंसी और चलेगी तो।
सो एज ये था टोटल रिव्यू अबाउट जो भी हमारा ट्विटर्स है मार्केट में अवेलेबल. इसके अलावा कोई हाई एंड ट्विटर्स हमारे पास आते हैं तो हम उसके बारे में बताएंगे. नेक्स्ट वीडियो जो है वो होने वाली है हमारे मिड स्पीकर्स के ऊपर. 8 इंच के मिड स्पीकर्स मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं, कौन से लगाने चाहिए, क्या क्लैरिटी होती है, क्या आउटपुट होती है, बहुत सारी उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल अर्जेंटली, और लाइक का बटन, अगर मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो लाइक का बटन बता के बताओ, और नीचे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी कि नहीं लगी, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. भाई साहब फीडबैक दो, अगर फीडबैक नहीं दोगे तो हम कैसे सपोर्ट, आप मतलब कैसे सपोर्ट कर रहे हो यार. तो फीडबैक दो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको पसंद आ रही है वीडियो कि नहीं आ रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. जस्ट गिव मी द फीडबैक, आई विल ग्रो. ओके सो ये हमारा टोटल रिव्यू.